हाय एवरीवन, तो हम लोग फिर से निकल चुके हैं चंडा की ओर। हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, हाथ मुख वगैरह धोया, तो फिर से स्टार्ट कर रही हूँ मैं ये न्यू ब्लॉग। वो ब्लॉग मैंने वहीं पे उनके घर पहुँचते ही एंड कर दिया था। इस ब्लॉग में मिलाऊंगी मैं सभी से आपको, क्योंकि अभी हम जल्दीबाजी में थे तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। तो अभी बने रहना ब्लॉग पे और आपको दिखाते हैं यहाँ की सुंदरता पिथौरागढ़ की। सबसे पहले जो यहाँ का फेमस होटल है मेघना होटल, वहाँ जा रहे हैं हम, वहाँ से दिखा देखिए। भाई खुली है ना, तो थोड़ा ख़राब है इसीलिए बच्चे हाय कर रहे हैं। हाय हाय, पहुँच चुके हैं हम मेघना में, बस आने वाला है, दिख रहा होगा आप लोगों को। अभी हम जाएंगे बोलो मोस्टमान मंदिर, पहले मोस्टमान, हाँ पहले मंदिर चल रहे हैं फिर आएंगे वापस, के बाद आएंगे। ये मोस्टा मानो जा रहे हैं, वहाँ जाके मिलते हैं आपको। हम पहुँच चुके हैं मोस्टा मानो मंदिर, ये देखो, ये जय हो मोस्टा बाबा की। ये है मंदिर, आज पहली बार आ रही हूँ मैं यहाँ, बहुत सुंदर है। काफी ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक बार इसको पकड़ो, उसको फीता लगा लेना। हम लोग बस सिर्फ बाहर ही बाहर घूमेंगे। ये हम पहुंच चुके हैं मोस्टा मानो मंदिर, ये देखो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। यहाँ तो घंटियाँ भी बज रही हैं हमारे आते ही। ठीक है, चलो चलो। ये है धूनी, तो यहीं से चढ़ा देते हैं। वैसे तो खुला है पर हम ऐसे चढ़ा देते हैं, अंदर दिखा देते हैं। यहाँ से अंदर दिखा देते हैं, इधर से इतना खास नहीं दिख पा रहा है, इधर से थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। बहुत मस्त है, सुकून एकदम। अब यहाँ से दिखाते हैं आपको पूरा पिथौरागढ़, पूरा पिथौरागढ़ दिख रहा है यहाँ से, आधा दिख रहा है वैसे तो, फिर भी जितना भी दिख रहा है वो दिखाते हैं आपको। पहाड़ कितने सुंदर आ रहे हैं, एकदम मस्त चकास। ये है मेरे पति देव। हम लोग अब जा रहे हैं दूसरी जगह, क्योंकि हमको अभी एक दो जगह और जाना है, और जगह देखनी है। तो इतना सही दिखाया मैंने मंदिर, ठीक है, और जो जो पिथौरागढ़ आया होगा उन लोगों ने तो देखा ही होगा। बस मैं ऐसे विजिट करने आई हूँ, फर्स्ट टाइम मेरे को देखना था, तो मैं देखने के लिए आई हूँ। तो और जगह भी देखते हैं, घूमते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं मौसी के घर की तरफ, फिर घर जाके उन सबसे भी मिलाऊँगी आपको। अब मुझे बैठना है इसमें और मेरे पति देव बनाएंगे मेरी वीडियो, पहले आप जाओ। मैं नहीं आता, जाओ रे, शर्मा शर्मा रहे, ये चलेगी मंदिर में झोला झूला। अरे कहीं नहीं होता है, बैठ, ओ बैठो बैठो, बढ़िया झूलो, हल्का हल्का, मेरे बाल तो नहीं होंगे, उसको झुलाना भी हुआ है ना। हाँ फिर गाइस, ये बच्चे आए करें
अच्छी वीडियो बनाओ। इसका बचपन कभी खत्म नहीं होगा। बच्चे भी आए वो दूर से ही बोल रहे झूला। इसका बचपन कभी खत्म नहीं होगा। नहीं होगा फिर खत्म तो। अभी देखो फैन ट्रोलिंग कैसे बढ़ाती हूँ, अपने बालों को दिखाती इनसे बोलती हूँ मेरे को झुला दो थोड़ी देर। नहीं तो चलो बहुत है। वेट यार, दो मिनट तो होने दो। और जगह भी तो, और जगह नहीं आना, जाना है नहीं देना, कुछ मत देना, बस वो बस हो जाए। फिर स्कूल वाले बच्चे भी पहचान लेंगे। अच्छा तभी कहीं सपना था। चलो उतरो, जोर वाला देना वो तो नहीं मत देना। ये चंपावत वाले ही हैं सारे। सारे चंपावत के ही आए हैं यहाँ। बच्चे आ रखे हैं दूर दूर से घूमने के लिए, पिकनिक के लिए आ रखे हैं बच्चे सारे। कौन से JNU वाले हैं भाई? हाँ, जवाहर नवोदय विद्यालय वाले बच्चे हैं। लो बस पकड़ो। चलो उतरो अभी, रुको कहीं लगेगी तो कमर में। हम लोग पहुंच चुके हैं मेघना में। अभी हम पुराने वाले मेघना में हैं। यार मेरी शक्ल इतनी गंदी हो गई है धूल से, हमारी शक्ल बहुत ही गंदी। मैं तो अलग ही टाइप की आ रही हूँ इसमें आज। ये बहुत स्मार्ट आ रही है। छी, बहुत ही गंदा फेस आ रहा है। आँखें देखो कितनी काली हो गई है मेरी सफ़र से। तो मैं दिखाती हूँ पूरा पिथौरागढ़ यहाँ से। ये देखो बहुत सुंदर। अभी हम मोस्टा मानू से आधा देख लिया था, अब पूरा देख लो। और ये है नैनी सैनी हवाई अड्डा। और ये नीचे से हम आए थे, इतने नीचे से बहुत सुंदर। और वो है सुसाइड पॉइंट, ये देखो। और अभी हम यहाँ जाके भी आ गए हैं, पर मैंने यहाँ फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह कुछ नहीं लिया, बस अपनी रील्स वाली वीडियो बना के आई हूँ बस खाली अंदर जंगल में जाके। और ये देखो कैसा लग रहा है आपको? मेरे को तो मज़ा आ रहा है, मैं तो पहले भी आया हूँ, तुम बताओ तुमको कैसा? मेरे को भी ठीक लग रहा। ये है मेघना होटल, ये पुराना वाला। पहले वो वाला है और नया वाला ये है। ये देखो और क्या बोलते हैं, बहुत ही मस्त लोग। पहले एक गाना चलता था ना, सोर की बजारी नी रोए मैं मिलन जरूर जाए। क्या था, मेघना होटल में बैठी चौमिन खाऊ लो वाला कुछ था गाना, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ये वाला गाना था। अब देखो ये देखो व्यू, बहुत रोड देखो कितना तगड़ा। एक यहाँ पे एक और है व्यू पॉइंट। हाँ, फ्लैग लगाया है हमारा इंडिया का, ये देखो मस्त। और ये है मेरे पोती देव। तो चले रेस्टोरेंट में कुछ खाने। चलो फिर चलो। ये है रेस्टोरेंट नया वाला, यहाँ से हम जाएंगे अंदर। वहाँ सॉन्ग लगे हैं तो मैं अंदर ज़्यादा नहीं बना पाऊँगी। बहुत सुंदर है, यहाँ से चलना है। अभी हम आए हैं वरदानी पार्क में, यहाँ पे जहाँ पे फ्लैग है। ये है मिस्टर हैंडसम जो कि हर टाइम फ़ोन में ही बिजी रहता है ना। मजाक कर रही हूँ, मेरा पति मेरे को बहुत टाइम देता है भैया। ये देखो यहाँ से अच्छा भी बात है। हम पहुँच चुके हैं लंदन पोर्ट में, यहाँ से आए हम। और ये है पिथौरागढ़ का रामलीला स्टेज।
ये चल रहे हैं मेरे हस्बैंड और अब हम घूमते हैं यहाँ। चलो यहाँ से हम गए, यहाँ इतना सुंदर सा ये देखो कुमाऊनी रेस्टोरेंट मोस्ट मानवा टेम्पल चले गए, नगुलेश्वर टेम्पल, कामाक्षा मंदिर से कहीं नहीं गए, महाराजा पार्क जाएं क्यों नहीं गए, मोस्ट मानव मंदिर नहीं गए, मोस्ट मानव गए हैं उनका पता नहीं है ना, कामाक्षा मंदिर तो दूर है और महाराजा पार्क, महाराजा पार्क का भी जाके हम ठीक। यहाँ देखो ये देखो देखो वाह बेस्ट बेस्ट बहुत सुंदर है यार, मन कर रहा है यहीं रह जाऊं। एक प्लॉट ले दो यहाँ, एक प्लॉट, दो तीन किडनियाँ बेचनी पड़ेंगी हैं अपनी किडनी बेच के तो दो आईफोन खरीदवा लिए हैं मैंने, अब क्या बेचूं हैं प्लॉट चाहिए, प्लॉट प्लॉट चाहिए मुझे तो। ये बहुत सुंदर लग रहा है ये देखो। हाँ चलो अब घुमा घुमा करके आते इधर ऊपर। पहुँच चुके हैं हम लोग लंदन फोर्ट और इसके बाद जाएंगे महाराजा पार्क। शक्ल देख रहे हो ऐसी हो गई है ना, हर दिन भर बाइक में और आंखें कैसी हो गई हैं, ये इतनी खतरनाक काली हो गई हो रही यहाँ आके। वो है ना देव सिंह फील्ड, ये स्टेडियम ये है कि देव सिंह फील्ड यानी नहीं खाया था उस टाइम में फुल जा रही है पार्किंग में, वो स्टेडियम वो देखो फील्ड है ना ये जो भी है, मतलब जो पिथौरागढ़ रहते होंगे उनको तो पता ही होगा स्टेडियम है वो। हाँ स्टेडियम है, अभी दिखाती हूँ ये है स्टेडियम, किसका घर होगा यहाँ पे मिलने आ जाओ, जिसका घर है यहाँ मिलने आओ भाई बाहर आओ ये देखो बहुत प्यारी लोकेशन है, यहाँ पे फोटोग्राफी भी चल रही है ऐसी कोई बात नहीं है। और ये है लंदन फोर्ट, ये और वो रहे हम दोनों, ये हम हैं, यहाँ कोई भैया लोग आए हुए हैं और ये है मेरे हैंडसम से पति देव। पहुंच गए हैं हम लोग घर और ये है आस्तिक, आपका नाम क्या है? आस्तिक। हाँ क्या करते हो आप? पढ़ाई। पढ़ाई? हाँ। कौन सी क्लास में? चार में। चार में पढ़ते हो? हाँ। चार में तो दीदी पढ़ती है रे पापा। चार में मैं पढ़ता हूँ। अच्छा आप पढ़ते हो? हाँ। अच्छा ये मेरा छोटा छोटा देवर है, मैं आपकी कौन हूँ? भाभी। अच्छा और ये कौन है? दद्दा। दद्दा। हम लोग कहाँ से आए हैं? बताओ कहाँ से आए हम? और ये है आस्था, इसकी दीदी, ये दोनों भाई बहन है, अभी इनके मम्मी पापा से भी मिलाएंगे हम, ठीक है? हाँ ये वीडियो देखोगे कल को भाभी? हाँ मम्मी पापा तो बाइक रहते हैं। क्या क्या? बाइक रहते हैं, बाइक चलाते हैं। मम्मी पापा बाइक चलाते रहते हैं? हाँ। आपको नहीं ले जाते कहीं? ले जाते हैं। ले जाते हैं? हाँ। कहाँ ले जाते हैं? बाइक में। बाइक में ले जाते हैं? हाँ। घूमने जाते हो? हाँ। अच्छा कहाँ जाते हो घूमने? पापा के साथ। पापा के साथ? हाँ। मेला नहीं ले गए पापा? ले गए थे। हाँ। अच्छा मेले में बाहर में गए, अभी हम बगल में जाके आते हैं। हम लोग रात को सो गए थे और फिर मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि दिन भर थके थे हम लोग, तो इस वजह से रात को मौसी लोगों ने खाना वगैरह बनाया था, हम भी लेट आए तो सब सो गए थे। फिर तो यहीं पे कल के ब्लॉग का एंडिंग करती हूँ और आज के एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय। मौसा जी और मौसी को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलाऊँगी आपसे।